हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल फ्यूचर टेक्नोलॉजी आरसी यूट्यूब चैनल को। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको बारीकी से समझाऊंगा आईआर सेंसर के ऊपर और ये सेंसर कहाँ पर वर्क करता है और कहाँ पर वर्क नहीं करता है, अगर ये वर्क नहीं करता है तो क्या करना चाहिए, ठीक है। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये आपके सामने एक आईआर सेंसर जो कि आपने बहुत ही सारे वीडियो में देखा ही होगा और आप भी इसे काफ़ी वीडियो में और आप भी इसे काफ़ी प्रोजेक्ट में यूज़ किए होंगे इस आईआर सेंसर को। क्या आपको पता है ये जो आईआर सेंसर है ये आउटसाइड यानी कि घर के बाहर भी वर्क करता है नहीं करता है, ठीक है। तो आज उसी के ऊपर मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। ये जो आईआर सेंसर है ये घर के अंदर तो वर्क करता ही है, लेकिन घर के बाहर क्या यह वर्क करेगा, या फिर अगर मैं धूप में लेके जाऊँगा क्या यह वर्क करेगा, अगर वर्क नहीं करेगा तो उसके लिए हम क्या करना चाहिए जिसके बदले से वर्क करेगा, ठीक है। तो चलिए पहले मैं इसका थोड़ा वायरिंग कर लेता हूँ। तो दोस्तों, इसको आप 5 वोल्ट या फिर 9 वोल्ट का पावर सप्लाई दे सकते हो और ये डीसी में वर्क करता है। तो इसको पावर सप्लाई देने के लिए मैं यहाँ पर एक 9 वोल्ट का बैटरी कैप यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर 9 वोल्ट का पावर सप्लाई यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। तो इसका जो रेड है इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ इसके VCC टर्मिनल पर, और जो ब्लैक है उसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ इसका GND पर, GND यानी कि ग्राउंड और नेगेटिव। तो दोस्तों, अभी मैं इसको पावर सप्लाई दे रहा हूँ, 9 वोल्ट का पावर सप्लाई मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर। तो अगर मैं इसके सामने कोई भी एक ऑब्जेक्ट को लेके आता हूँ तो ये क्या करेगा, उसको सेंस करेगा और यहाँ पर आप देख सकते हो एक रेड कलर का LED वो भी ग्लो कर रहा है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर एक रेड कलर का LED है। जैसे मैं इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट लेके आता हूँ तो ये LED ऑन हो जाता है, ठीक है। तो ये मैं अभी इसको घर के अंदर बना रहा हूँ, लेकिन अगर हम इसको घर के बाहर लेके जाते हैं तो चलिए देखते हैं ये घर के बाहर वर्क करता है नहीं करता है। तो चलिए घर के बाहर चलते हैं। हाँ, तो दोस्तों अभी हम बाहर आ चुके हैं। तो ये है मेरे पास वो सेंसर, आईआर सेंसर। तो अभी मैं इसको पावर सप्लाई देता हूँ। तो अभी आप देख सकते हो मैंने इसको पावर सप्लाई दे दिया है, लेकिन यहाँ पर इसका जो दोनों ही LED है वो दोनों ही LED एक साथ यहाँ पर ऑन हो गया है। ये इसका पावर का LED और ये इसका सेंसिंग का LED, ठीक है। तो जब भी ये सेंस करता था तो अभी उसी टाइम में जलता था, लेकिन अभी ये अपने आप ही जल रहा है। तो दोस्तों, बाहर क्या होता है, हमारा सूरज जैसे दिन में होते हैं तो वो क्या करते हैं, कुछ IR रेडिएशन नीचे भेजते हैं, तो उसी IR रेडिएशन के लिए ये जो फोटोडायोड है उसी को सेंस करता है और इस सर्किट को ऑन कर देता है। तो अगर आप यहाँ से कुछ एडजस्ट भी करना चाहो तब भी ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है। अब कुछ भी एडजस्ट कर लो लेकिन ये वर्क नहीं करेगा। ये जो आईआर सेंसर है ये सिर्फ इंडोर यानी कि घर के अंदर ही काम करता है। अगर आप इसे बाहर कोई सर्किट में यूज करना चाहते हो तो ये बाहर वर्क नहीं करेगा, आप सिर्फ इसको इनसाइड में ही यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर आप कोई सैनिटाइज़र वगैरह बनाने जा पा रहे हो जो कि आउटसाइड में यूज करना हो तो आप ये वाला सेंसर का यूज मत कीजिएगा, क्योंकि ये बाहर वर्क नहीं करेगा, ठीक है दोस्तों। तो अभी देखते हैं इसमें क्या मॉडिफाई किया जाए और क्या यूज करने पर जो IR सेंसर होता है वो बाहर सूरज की रोशनी पर वर्क कर सकता है, ठीक है। तो चलिए उस सर्किट के ऊपर हम काम करते हैं। हाँ, तो दोस्तों आपने अभी जो वीडियो देखा उसमें हमने इस सेंसर को बाहर टेस्ट किया था, जहाँ पर हमारे जो सूरज चाचा है वो वहाँ पर थे, जिसकी वजह से ये सेंसर बाहर वर्क नहीं कर रहा था, लेकिन जो सेंसर है घर के अंदर वर्क करता है। तो अभी हम इसको क्या मॉडिफाई करेंगे, तो इसमें कुछ मॉडिफाई हम नहीं कर सकते हैं, इसके लिए हम एक अलग सा IR सेंसर बनाएंगे और जहाँ पर हम यूज़ करेंगे एक टी शॉप का, ठीक है। ये एक टी शॉप है, ये भी एक IR सेंसर है। जैसे कि यहाँ पर ये फोटो डायोड है ये IR को रिसीव करता है, उसी तरह ये भी एक IR सेंसर है जो कि IR को ही रिसीव करता है, ठीक है। लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है, क्या है, ये जो फोटो डायोड है ये हर किसी फ्रिक्वेंसी के रेंज को ही रिसीव कर लेता है। अगर कुछ IR रेडिएशन आ रहा है जिसमें कुछ फ्रीक्वेंसी हो या फिर उसका फ्रीक्वेंसी 0 भी हो तब भी ये उसे रिसीव कर लेगा, ये कुछ नहीं देखेगा भाई ये मेरा अपना है या कोई पराया है या फिर कुछ भी हो, ये हर किसी को रिसीव कर लेता है, हर किसी को अपना लेता है। लेकिन जो सेंसर है ये सिर्फ अपनों को रिसीव करता है, ठीक है। अगर अपनों को छोड़कर कोई गेयर आता है तो ये क्या करता है, सबको लात मार के निकाल देता है, भाई तू जा, ये सिर्फ अपनों को रिसीव करता है, यानी कि इसका एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको मार्केट पर बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन हर एक का अलग अलग फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। तो ये सिर्फ उसी के फ्रीक्वेंसी को रिसीव करता है।
तो दोस्तों अगर इसके फ्रीक्वेंसी से थोड़ा भी इधर उधर का ऊपर नीचे का फ्रीक्वेंसी आता है तो ये क्या करेगा, उसको रिसीव नहीं करेगा। ठीक है, तो हमारा जो सनलाइट होता है बाहर, उसमें क्या होता है, उसमें जो फ्रीक्वेंसी होता है वो इसके साथ मैच नहीं होता है, जिसकी वजह से ये उसको रिसीव नहीं करता है। तो अभी हम एक फ्रीक्वेंसी जनरेटर यूज़ करेंगे, ठीक है, जो कि कुछ फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा और उस फ्रीक्वेंसी को ये रिसीव करेगा। रिसीव करने के बाद हम एक आई आर सेंसर बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए सर्किट बना लेते हैं। तो दोस्तों हमारा जो प्रोजेक्ट ये कंप्लीट हो चुका है, तो इसको अभी हम पावर सप्लाई देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ 9 वोल्ट का पावर सप्लाई। तो इसका जो बीच का टर्मिनल है वो इसका नेगेटिव का है, और इस वाले साइड का जो टर्मिनल है ये इसका पॉजिटिव का। दोस्तों अभी चलिए हम इसको टेस्ट करते हैं। तो जैसे ही मैं इसके सामने अपना हाथ या फिर कोई ऑब्जेक्ट इसके सामने लाता हूँ तो ये क्या करता है, जैसे ही नॉर्मल आई आर सेंसर वर्क करता है उसी तरह ये भी वर्क कर रहा है। तो ये अभी घर के अंदर वर्क कर रहा है, तो चलिए इसको अभी हम बाहर चेक कर लेते हैं, ये बाहर काम करता है नहीं करता है। तो दोस्तों अभी हम बाहर ये वाले सेंसर को टेस्ट करेंगे, जो सेंसर हमने अभी अभी बनाया है। ठीक है, तो इसको मैं अभी पावर सप्लाई देता हूँ। तो ये मेरे पास 9 वोल्ट का बैटरी है, इसको भी मैं पावर सप्लाई दे दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो रेड कलर का एलईडी है ये ग्लो नहीं कर रहा है। अगर मैं इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट को लेके आता हूँ तो ये जो सेंसर है उसको सेंस करता है और ये एलईडी ऑन हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब कि ये जो सेंसर मैंने बनाया है ये आपका घर के अंदर और घर के बाहर दोनों में ही ये काम करेगा। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों जो ये वाला आई आर सेंसर है ये आपके सिर्फ घर के अंदर ही काम करता है, ये घर के बाहर काम नहीं करता है। लेकिन जो ये वाला सेंसर है ये घर के अंदर और घर के बाहर दोनों में ही ये काम करेगा। ठीक है दोस्तों, जैसे इस सेंसर के यूज करके आप बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाते हो तो उसी तरह इसको भी यूज करके आप बहुत सारे प्रोजेक्ट बना सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और इसका सर्किट डायग्राम आपको वीडियो के अंदर ही मिल जाएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना, और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा।